हाय एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस इन योर ऑन यूट्यूब चैनल. सो मैं हूं सतीश एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर वेल. सो जैसे कि आप लोग जानते हो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है फॉर सुपरवाइजर एग्जाम वो कंटिन्यू है. सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज 5. सो 4 सीरीज की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं उनके. अगर आप वो देखना चाहते हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो. राइट, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट करने से पहले, एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले, मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज़ ही एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का. सो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो सुपरवाइज़र का, सो उसके लिए आपको आप सारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यूज़ एंड ऑनलाइन टेस्ट, ये चारों की चारों फैसिलिटीज़ जो हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी आपको इस मेंबरशिप ग्रुप में, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए. सो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी थोड़ा सा लेट ही होगा पेपर इसका, होपफुली. तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग सारे इस एग्ज़ाम जो हमने ग्रुप बनाया है सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप, इसको ज्वाइन कर सकते हो. सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना है, और अगर आप बैंक से करोगे तो आपको 560 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, बट अगर आप अदर किसी प्लेटफॉर्म से करते हो तो आपको 500 ही पे करना है. सो ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि वो ये है कि आपको सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन से लेकर प्रैक्टिस तक पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऑनलाइन टेस्ट जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रेयर देखने को मिलती हैं. सो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप कुछ भी पढ़ो, देन उसके बाद आप उस चीज़ को जब ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तो आपको पता लगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको कहाँ आता है, कितना आता है, और कहाँ पर आपको जो है वो यू नो और ज़्यादा प्रिपेयर करने की या और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जो नंबर है 7006002724, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो फाइनली अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs जो हमने आज सेलेक्ट किए गए हैं. सो पहला जो MCQs आता है वो आता है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वट टाइप ऑफ इक्वालिटी. सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी. सो उस राइट टू इक्वालिटी में जो है वो क्लासिफाइड किए गए हैं, क्योंकि 19 से लेकर 20 तक के जो राइट्स हैं वो राइट टू इक्वालिटीज़ में आते हैं. सो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर राइट जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको पता होगा. सो उसमें पूछा गया है कि वो जो राइट है वो किस टाइप की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. वो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है, नेचुरल या पॉलिटिकल इक्वालिटी है. विच टाइप ऑफ इक्वालिटी दैट राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस शोज. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, मींस नेचुरल इक्वालिटी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है. देखो गाइज, आपका एक टॉपिक है सुपरवाइजर में, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. तो ये एक टॉपिक है आपका. सो बिफोर गोइंग थ्रू दी कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, अगर आप सोचो कि यार मैं सिर्फ MCQs पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हो, देखो गाइस, सबसे पहली बात आती है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. जो भी एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, वो आपको क्लियर होने चाहिए. आप डीप मत जाओ, मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप डीप मत जाओ. आप इस तरह से पढ़ो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाए. क्यों? क्योंकि हर एक जो टॉपिक है ना इस यूनिट में जितने भी दिए हैं, वो सारे के सारे आई थिंक इक्वली उनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. मतलब सारे यूनिट 12-12 नंबर के हैं, तो कहीं से कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला. सो इसलिए ये वाइजली एक चांस है कि आपको सारा सिलेबस जो है वो कवर करना चाहिए. ठीक है, सो मैं यही बोलूँगा कि MCQ जो है वो स्टार्टिंग से ना पढ़ो. आप सबसे पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद MCQs पे आओ. और MCQ जब आप करोगे, आप इजीली MCQ जो है वो आप सॉल्व भी कर पाओगे, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा जब आप उस चीज़ को यू नो सॉल्व आउट कर पाओगे. सो इसके लिए जो स्पेशली हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है सुपरवाइजर मेंबरशिप ग्रुप, वो इसी के लिए किया है ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाए जाएँ, और बिल्कुल शॉर्ट वे में. मतलब आपको लेक्चर देखते ही पता लग जाएगी इसमें क्या बात है,
इसमें बेसिकली इसका फैक्ट क्या है, व्हाट द एसेंस, व्हाट द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, वो जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, सो दैट इज अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल इज ऑल्सो द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस। अगर कोई पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। सो ही वॉज द पर्सन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि रूसो जो है वो किसका चीफ एक्सपोनेंट है, वो है नेचुरल का, लिबर्टी का है, पॉजिटिव का है, नेगेटिव का, या नेशनल लिबर्टी का। तो वो है ए, मीन्स नेचुरल लिबर्टी का एक्सपोनेंट है। तो गाइज देखो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना सोशल साइंस के एग्जाम्स में, तो वो आपको सोशल साइंटिस्ट से ही पूछे जाएंगे या डेफिनेशन से पूछे जाएंगे। और देखो, अगर मैं सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को डिस्ट्रीब्यूट करूँ ना, देखो मैं MCQs के साथ साथ थोड़ा सा एक्सटर्नल भी आपको बताता जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता लगता रहे। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो इसके फर्स्ट जो 5 यूनिट है ना, वो कंसेप्ट बेस्ड हैं, वो कंसेप्चुअल हैं, और नेक्स्ट वाले जो 5 हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट पे बेस्ड हैं। सो इसलिए एक एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से इसको पढ़ना है। तो अगर आप वो चीज़ देखना चाहते हो, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो हमारा जो मेम्बरशिप ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया हुआ, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन, वो आप ज्वाइन करो मेम्बरशिप ग्रुप, एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, हु सेड लिबर्टी इज ऑपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो किसने कहा था, हु वाज दैट, दैट इज़ सिली। ओके, सो बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो किसके फेवर में थे, मतलब नेचुरल के थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, या नेशनल लिबर्टी के थे। तो किसके फेवर में थे, दैट वॉज इन फेवर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ओके, सो उसी तरह से मेगा सिक्स क्वेश्चन की बात करूँ, तो कहता है वो जो 3 टाइप्स है लिबर्टीज की, किसमें, नेचुरल स्टेट्स में, तो वो किन्होंने डिस्कस की थी, हु वाज दैट, सो दैट वाज लुक। ओके, सेवन्थ जो क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है कि हु रिगार्डेड डेमोक्रेसी एज अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हु वाज दैट, एक्चुअली ये फिर डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको आ गया, सो दैट वाज अरिस्टोटल। ओके, वहीं मैं अगर 8th क्वेश्चन की बात करूं, तो 8th क्वेश्चन में कहता है कि मार्क्स जो थे वो स्पोर्ट विच काइंड ऑफ जस्टिस, मतलब किस टाइप जो जस्टिस की, कौन सी काइंड को वो स्पोर्ट कर रहे थे, मतलब वो पॉलिटिकल जस्टिस था, इकोनॉमिक था, सोशल था, या नेचुरल जस्टिस था। तो दैट वाज बी, मींस इकोनॉमिक जस्टिस को वो स्पोर्ट कर रहे थे। वहीं अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं, तो 9th क्वेश्चन में कहता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। सो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। तो इसका जो हुआ था, इस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1961 में। ओके, सो 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 10th क्वेश्चन में कहता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी बेलग्रेड में, ठीक है, यूगोस्लाविया में हुई थी वो। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, ये जो MCQs मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है ना, ये सिर्फ मतलब एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा डेमो है सुपरवाइजर ग्रुप का। सो अगर आप सुपरवाइजर ग्रुप ज्वाइन करोगे, मेंबरशिप, सुपरवाइजर मेंबरशिप ग्रुप, उसमें आपको इस तरह के MCQs जो है ना, वो बल्क में प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब यहाँ 10 नहीं, वहाँ पे आपको 100 में MCQs होंगे, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी, जो भी कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करो। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 7006232724, आप इस पर कॉल करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो फाइनली थैंक यू सो मच सतीश, साइनिंग ऑफ, बाय।